दोस्तों, कल जैसे ही ग्लोबल मार्केट के अंदर एक रिपोर्ट पब्लिश हुई, उसके बाद तो जैसे पूरी दुनिया में हड़कंप ही मच गया है। जी हाँ दोस्तों, उस रिपोर्ट में बताया गया है कि कौन से देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल पर काम करना शुरू कर दिया और कौन से देश के पास कितना हाइपरसोनिक मिसाइल का स्टॉक है और वो उसका आगे का फ्यूचर प्लान क्या है। तो देखिए, उस रिपोर्ट में ऑब्वियसली सी बात है कि इंडिया का नाम आना लाजमी है, क्योंकि इंडिया ने भी हाइपरसोनिक मिसाइल पर काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन इसमें सबसे बुरी बात यह है कि उसमें बताया गया है कि चाइना के पास एक ऐसा हाइपरसोनिक मिसाइल है जो कि उन्होंने टेस्ट करने के बाद अपने बेड़े में शामिल भी कर चुका है और वो पूरी दुनिया के, यानी कि एक बार पृथ्वी के चक्कर लगाने के बाद वो अपने टारगेट को जा करके एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी में हिट करता है। लेकिन उसी को देखते हुए हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बाकायदा ट्वीट करके ये जानकारी दी गई कि हम लोगों ने अभी आने वाले समय में बहुत ही जोरों शोरों से हाइपरसोनिक मिसाइल को डेवलप करने में काम करना है, जो कि हम लोग दो तरह के हाइपरसोनिक मिसाइल में अभी काम कर रहे हैं। पहला है एक इंडिया रशिया जॉइंट वेंचर के रूप में, जो कि ब्रह्मोस हाइपरसोनिक मिसाइल पर काम चल रहा है, जो कि ब्रह्मोस 2 नाम से डेवलप किया जाएगा। और दूसरा है HSTDV, जो कि इससे पहले दो बार उसका टेस्ट भी हो चुका है, एक जून 2019 में, एक सितंबर 2020 में। अब 2021 और 2022 में टेस्ट किया गया था, लेकिन 2022 और 23 में 24 से 25 टेस्ट को प्लान किया गया है, यानी कि 2 साल के अंदर बहुत ही ज़्यादा टेस्ट रखे गए हैं। अगर यहाँ पर सभी टेस्ट सफल रहते हैं तो 2024 से हम लोग उसे मास प्रोडक्शन में भेज सकते हैं। और HSTD में मतलब हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशन व्हीकल, ये एक टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशन व्हीकल है, और इसके बाद हम लोग उस मिसाइल पर भी काम करेंगे जो Mach 6 तक की स्पीड को प्रोवाइड कराएगा इस टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशन के लिए। तो मेरे ख्याल से आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत, जय हिंद।